नाउ सी फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 years 4 months 5 years 8 months क्या किया, ईयर को मंथ में कन्वर्ट किया, दैट इज 3 years 4 months इज इक्वल टू 12 into 3 plus 4 36 plus 4 आंसर इज 40 months। 5 years 8 months इज इक्वल टू 12 into 5 plus 8 60 plus 8 68 month। so ratio of 40 months to 68 months, 40 divided by 68, 4 into 10 4 into 70, right? 17 4s are 68 10 4s are 40, 4 4 cancel, answer is 10 divided by 17 and ratio is 10 ratio 70. okay, next देखो 3.8 kg and 1900 ग्राम। तो kg को ग्राम में कन्वर्ट करो, 3.8 kg इक्वल टू 3 into 1000 plus 800 ग्राम, 3 into 1000 3000 plus 800 3800 ग्राम। रेशियो ऑफ 3800 ग्राम्स टू 1900 ग्राम, 38 divided by 19, 0 0 कैंसल, 2 into 19 1 into 19, आंसर इज 2/1 एंड रेशियो इज 2:1 2:1। ओके, 6th क्वेश्चन देखो, 6 सम इज 7 minutes 20 सेकेंड एंड 5 minutes 6 सेकेंड। तो मिनट को हम लोगों ने क्या किया, सेकेंड में कन्वर्ट किया है। तो 7 minutes 20 सेकेंड इज इक्वल टू 7 into 60 plus 20, दैट इज 420 plus 20, आंसर इज 440 सेकेंड। कितना आंसर आया, 440 सेकेंड। 5 minutes plus 6 सेकेंड इज इक्वल टू 5 into 60 plus 6, दैट इज 300 plus 6, 306 सेकेंड। रेशियो ऑफ 440 सेकेंड to 306 सेकेंड, so 440 divided by 306 is equal to 2 into 220, 2 into 153, 2 to the 4, 2 to the 4, 2 0 0, 2 1 2, 1 बचेगा, 2 5 10, 2 3 6। तो 220 divided by 153, अब इसको हम लोग लोवेस्ट में नहीं कर सकते, सो फाइनल इज 220 divided by 153 एंड 220 ratio 153। क्या है आंसर, 220 ratio 153। अंडरस्टूड एवरीवन, राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियो इन द रिड्यूस फॉर्म। परसेंटेज दिया, उसको क्या करना है, रेशियो में लिख कर, रेशियो के रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट इज 75 रेशियो 100, फर्स्ट का है 75 रेशियो 100। सॉल्यूशन क्या आएगा, 75 रेशियो 100 इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाय 100। क्या आएगा, 75 डिवाइड बाय 100, 25 into 3, 25 into 4, 25 3 is 75, 25 4s are 100, 25 27 will be cancelled, आंसर इज 3/4 एंड आंसर इज रेशियो इज 3:4। क्या रेशियो आएगा, 75 to 100 का 3:4। नेक्स्ट 44 रेशियो 100 इज इक्वल टू 44 डिवाइड बाय 100, 4 into 11, 4 into 25, अगेन 4 4 कैंसल, आंसर इज 11/25। रेशियो क्या आएगा, 11 रेशियो 25। थर्ड वन देखो, 6.25%। क्या दिया है, 6.25% मीन्स 6.25 डिवाइड बाय 100। अब ये तो डेसिमल हटाने के लिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ऑब्वियसली यहाँ से भी यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो व्हाट विल गेट, 625 डिवाइड बाय 10,000। अब 625 25 का स्क्वायर है, राइट? इसलिए मैंने क्या किया, 25 into 25, 25 into 25 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो आंसर मिला 400। सो 25 into 25, 25 into 400, 25 25 कैंसल, अगेन 25 divided by 14, 25 1s are 25, 25 16s are 400 because 25 8s are 200, तो ऑब्वियसली 25 into 16 is 400। मैंने कहा ना, टेबल्स अगर तुम लोग को आएंगे तो तुम्हारा दिमाग फटाफट चलेगा। So 25 into 1, 25 into 16, आंसर इज 1/16 एंड रेशियो इज 1:16। क्या रेशियो आया, 1:16। फोर्थ वन इज 52 रेशियो 100, 52 डिवाइड बाय 100, 4 into 13, 4 into 25, Again 4 4 cancel, answer is 13 divided by 25 and ratio is 13:25। सिंपल है, खाली क्या करना है हम लोग को, दोनों में से दोनों को क्या करना है, एक ही नंबर से डिवाइड करना है और जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करें उसको कट करना है और बचा हुआ रेशो लिखना है। लास्ट इज 0.64%। क्या है 0.64%। देखो 0.61% अगेन जैसे हम लोग ने यहाँ पे 6.24 किया था वैसे 0.64 को भी कन्वर्ट करना है। 100 से मल्टीप्लाई करा न्यूमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में भी किया तो क्या आया 64 divided by 10,000। 16 4 64, 16 into 625 10,000, 16 16 cancel, answer is 4/625 and ratio is 4:625। आया समझ में? बड़े बड़े नंबर्स है तो कैसे, अगर टेबल से तुम लोग करेंगे तो फटाफट तुम लोग सॉल्व कर सकते हो कि कौन से टेबल से कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 persons कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days। टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। क्या बोले देखो 3 persons कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days। 3 लोग हैं, 3 लोग 8 दिन में एक घर बनाते हैं। ओके टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days, लेकिन मुझे 6 day में क्या करना है, घर पूरा करना है। मुझे क्या करना है 6 days में क्या करना है, घर पूरा करना है। तो मुझे कितने लोग लगेंगे, क्योंकि मेरे पास 3 जन है, 3 जन बोलते हैं हम लोग 8 दिन लगाएंगे, तो मुझे नहीं, मुझे 8 दिन मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे 6 days में चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, सी नाउ सपोज X men कंस्ट्रक्ट द हाउस इन 6 days। नंबर ऑफ मैन 3, नंबर ऑफ डेज 8, नंबर ऑफ मैन X, नंबर ऑफ डेज 6। इट इज़ एन इन्वर्स प्रोपोर्शन। जितने ज़्यादा लोग होंगे काम उतने जल्दी होगा, जितने कम लोग होंगे काम उतना बढ़ जाएगा। मतलब एक को बढ़ा तो दूसरा कम हो रहा है, दूसरे को बढ़ा तो दूसरा पहला कम हो रहा है, राइट। तो ये क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इसको क्या कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। ओके Therefore 3 into 8 is equal to 4 into 6, क्योंकि इसका आंसर दोनों सेम आने वाले। सो 3 into 8 is equal to 6 into x, 24 is equal to 6x, so x is equal to 24 divided by 6, x is equal to 4। मतलब ये काम अगर मुझे 6 दिन में मुझे पूरा करना है तो 6 दिन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 लोगों को काम पे लगाना होगा। कितने लोग, 4 लोग। अगर 4 लोग रहेंगे तो ये काम मेरा 6 days में कंप्लीट हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, थैंक यू। राइट डाउन।